अलग अलग एसोसिएशन के अधिकारी और आम जनता जो है जो जीएसटी काउंसिल के काले कानून के विरोध कर रही है और सड़कों पे उतरी है और आम जनता भी इसमें सहयोग कर रही है। जो जीएसटी का काला कानून है वो आम लोगों के ऊपर जो है 5% टैक्स लगाया जा रहा है खाद्य वस्तुओं के ऊपर, आटा चावल दालें दूध दही पनीर जैसी चीजों पे टैरिफ टैक्स लगाया जा रहा है। इससे महंगाई जो है आगे जनता की महंगाई की मार जो है पड़ रही है, आगे और महंगाई जो है देखने पड़ेगी जम्मू के जनता को। पहले एक तरफ जो ब्रांडेड आइटम पे टैक्स लगा था हम उसमें सर्टिफाइड थे, ठीक है, उसमें 15% लोग जो है ब्रांडेड आइटम खाते हैं, लेकिन जो अनब्रांडेड आइटम है उसमें देश का 85% लोग खाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम गरीबों को मुफ्त राशन दे रहे हैं, लेकिन जीएसटी काउंसिल गरीब लोगों के ऊपर 5% टैक्स लगा रही है, आटा चावल दालों के ऊपर 5% टैक्स लग रहा है। इसलिए आपके सबकी खाने की रोटी जो है महंगी हो जाएगी, खाने की थाली जो है कम हो जाएगी, हमारी गरीबों का जो राशन है वो और कम हो जाएगा। आटा चावल दालें दूध दही पनीर जितनी दालें हैं जितना भी आटा है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, रेट बढ़ जाएंगे, महंगाई जो है ज्यादा हो जाएगी। हमारी अन्य एसोसिएशन और सब मिलके जम्मू के लोगों से सबसे यही मैं अपील करता हूँ फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी से कि इस टैरिफ टैक्स को वापस लिया जाए और आम लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अगर ये टैक्स वापस नहीं होगा तो हमारे जम्मू के लोग, जम्मू के व्यापारी और अन्य संगठन जो है उग्र प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। धन्यवाद।